जिले के नियोजित शिक्षकों ने शैक्षणिक कार्य करते हुए बाह पर काली पट्टी लगाकर सरकार की शिक्षक विरोध नीति का किया विरोध। महागठबंधन की नई सरकार से पुरानी पेंशन शीघ्र लागू करने का किया मांग। आज दिनांक 1 सितंबर 2022 को जिले के सभी प्रखंडों के नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं ने बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के आह्वान पर अपने अपने विद्यालय में बाह पर काला पट्टी लगाकर शैक्षणिक कार्य करते हुए सरकार के शिक्षक विरोधी नीति का किया विरोध। महागठबंधन की सरकार ने पुरानी पेंशन लागू करने का की मांग। प्रधान सचिव राम कल्याण पासवान ने कहा कि केंद्र सरकार ने 2004 में एवं बिहार सरकार ने 1 सितंबर 2005 को पुरानी पेंशन योजना को समाप्त कर दिया। 2005 में पुरानी पेंशन बंद होने के बाद नियोजित शिक्षकों को बुढ़ापे का सहारा छीन लिया गया। प्रधान सचिव ने कहा कि देश के कुछ राज्यों जैसे राजस्थान छत्तीसगढ़ में बंद पुरानी पेंशन पुनः लागू कर दिया गई। कई अन्य राज्यों की सरकार लागू करने की योजना पक्की कर रही है, परंतु बिहार सरकार के शिक्षक विरोधी नीति के कारण पुरानी पेंशन लागू करने को लेकर संवेदनशील स्थिति बनी हुई है। जिलाध्यक्ष साकेत सुमन ने कहा कि बिहार सरकार नियोजित शिक्षकों के मूलभूत समस्याओं के समाधान को लेकर गंभीर नहीं दिख रही है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर पड़ रहा है। समय रहते महागठबंधन की सरकार सूबे के नियोजित शिक्षकों को पुरानी पेंशन, समान काम का समान वेतन, राज्य गर्मी का दर्जा को लागू करें, अन्यथा आंदोलन को और तेजी से किया जाएगा। जिला मीडिया प्रभारी उपेंद्र चौधरी ने कहा कि आज जिले के सभी शिक्षक पुरानी पेंशन लागू करवाने हेतु 1 सितंबर 2022 को काली पट्टी बांधकर शैक्षणिक कार्य करते हुए सरकार की नई पेंशन नीति का विरोध करेंगे। सर, आप लोग जो काला पट्टी लगाकर पठन पाठन का कार्य जो कर रहे हैं, क्या कारण है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं समूचे नियोजित शिक्षकों को आज जो काला पट्टी बांधे उनको बहुत बहुत बधाई। खास करके जो हम लोग का मुख्य उद्देश्य है बच्चों का पठन पाठन करना, तो हम लोग अपने अच्छे ढंग से पठन पाठन का कार्य कर रहे हैं, उसके बावजूद भी सरकार के जो रवैया है कि नियोजित शिक्षक जब रिटायर करेंगे, या बिहार सरकार के 2004 के बाद जो पेंशन खत्म हुई है उसको जब रिटायर करते हैं, तो हमको लगता है रिटायर होने के बाद सिर्फ उनको एक झांसा ही दिया जाता है, ना कि उनको भरण पोषण का कोई लाभ दिया जाता है। खास करके जब हम रिटायर होते हैं तो उस समय में हमारे घर के बच्चों और बीवी वगैरह पूछती है कि आपको पेंशन क्या मिलेगा, तो हम लोग को मतलब जीरो से ही सुनना पड़ता है कि कुछ नहीं मिलेगा, तो उस समय हम लोग को बहुत बड़ा प्रायश्चित ये करना पड़ता है। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि पुरानी पेंशन निश्चित रूप से हम लोग के बुढ़ापे का एक दिया जाए, ताकि हम लोग को अच्छा से ज़िंदगी चल सके। मतलब ये नियोजित शिक्षक को ये सरकार जो अभी बनी है, इससे मैंने अपेक्षा थी कि हम लोगों को जो भी रुका हुआ काम है जी ये होगा, लेकिन ऐसा आप लोग को लगता नहीं है कि ये जो आउटपुट मांगे हैं शिक्षा मंत्री, इसके बहिष्कार के लिए आप लोग मैंने शुरुआती किए हैं काला पट्टी लगाने? अभी तो हम लोग का ये शुरुआती है, अगर पुरानी पेंशन की घोषणा नहीं हो तो फिर हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे अपने प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में। क्या नाम हुआ आपका? मैं उपेंद्र चौधरी, बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ, जिला मीडिया प्रभारी बेगूसराय। आज मैडम, आप लोग काला पट्टी लगाकर जो स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या वजह है? हमारी जो पूर्व की मांगें थी, उन्हीं मांगों को दोबारा से सरकार को याद दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। आज सांकेतिक रूप में विरोध प्रदर्शन है, ताकि हमारी आरजेडी की सरकार को याद आ जाए कि सत्ता में आने से पूर्व उन्होंने क्या क्या वादे किए थे। उनका कहना था कि हम सत्ता में आ जाते हैं तो पुरानी पेंशन, राजकर्मी का दर्जा और समान काम समान वेतन का लाभ हम अपने शिक्षक को या अन्य कर्मचारियों को देंगे। जो अभी तक हम लोगों को नहीं मिला है, उन्हीं मांगों को लेके हम लोग आज काला पट्टी लगा के सांकेतिक रूप से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ताकि उनको याद आ जाए। इसके बाद अगर सरकार नहीं सुनती है तो क्या रणनीति है आपके संघ के द्वारा? तो हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, संगठन का जो नेतृत्व करता है, उन्हीं के आदेशानुसार विरोध का उग्र रूप होगा। क्या नाम हुआ आपका? आभा कुमारी,
उत्कर्मिक मध्य विद्यालय कैलाशपुर। आज सर काला पट्टी लगा कर जो शैक्षणिक कार्य कर रहे हैं किस कारण से किस वजह से? बिहार प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में सारे बिहार के नियोजित शिक्षक आज 1 सितंबर को सांकेतिक रूप से काला पट्टी लगाकर हम बिहार सरकार के नीतियों के विरोध में आज हम लोगों ने काला पट्टी लगाया है सांकेतिक रूप से और अपना पठन पाठन का कार्य सुचारू रूप से कर रहे हैं विद्यालय में बने रहकर। प्रश्न उठता है क्या कि काला पट्टी लगाने की आवश्यकता हम लोगों को क्यों पड़ी? इसमें हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी जी और हमारे शिक्षा मंत्री के तत्वाधान में जो बातें कही गई थी, आरजेडी का मुख्य एजेंडा था उस समय ये चुनाव के समय में कि जब हम अपनी सरकार में आएंगे तो नियोजित शिक्षकों को समान काम, समान वेतन तथा पुरानी पेंशन लागू की जाएगी। उसी के आलोक में जब नई सरकार मूर्त रूप ले चुकी है तो हम लोग उनको याद दिलाने के लिए कि आपने जो घोषणाएं की थी उस समय उनको इम्प्लीमेंट करने की यानी कि लागू करने का समय आ गया है। अब हम सभी सरकार से मांग करते हैं कि हमारी मांगों को मद्देनज़र ध्यान में रखते हुए हम लोगों को लाभान्वित करने का प्रयास करें। दूसरी जो शिक्षा मंत्री का महोदय जी का ये आदेश है कि सभी शिक्षक 1 महीने तक अच्छे से विद्यालय को चला दें, हम उनकी मांग को सहानुभूतिपूर्वक विचार रखेंगे। तो मेरा कहना है कि अजीम प्रेम जी फाउंडेशन के द्वारा जो एक सर्वे आई है उसमें ये क्लियर हो गया है कि बिहार ही नहीं वरन पूरे हिंदुस्तान के सरकारी विद्यालयों में मात्र 10% शिक्षक ही अपने नियत काम से देर से आते हैं, वरना 90% से ऊपर लोग विद्यालय में समय पर आते हैं, पठन पाठन में पूरा भाग लेते हैं, अधिगम का पूरा व्यवस्था करते हैं, टू वे कम्युनिकेशन होता है बच्चों और शिक्षकों के बीच और हम उनके भविष्य के प्रति सदा समर्पित रहते हैं। इसके बाद भी आगे कुछ रणनीति आपके संघ द्वारा कुछ नहीं? पहले तो है कि